Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic, complex permanent tissue, in class 9th in chapter 2. In the previous video, we have already completed our simple permanent tissue, but in this video, we are going to start complex permanent tissue. Okay student, let's start. Jaise agar main baat karun, complex permanent tissue, complex permanent tissue, ये दो टाइप का होता है. कौन कौन से दो टाइप होते हैं? एक होता है xylem tissue और एक होता है आपका phloem tissue. अब बात करते हैं जो xylem tissue होता है, इसके कितने parts होते हैं? इसके 4 parts होते हैं. तो xylem के जो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 पार्ट होता है ट्रेकेट्स, नंबर 2 है वेसल्स, नंबर 3 है आपका xylem फाइबर एंड नंबर 4 है आपका xylem पैरेन्काइमा. कहने का मतलब ये है जो xylem टिश्यू जो फॉर्म्ड होता है, xylem टिश्यू जो बनता है वो कैसे बनता है, वो इन चारों पार्ट्स को क्या करते हैं, मिलके बनता है. यानी कि कहने का मतलब जब xylem टिश्यू की हम बात करेंगे तो कहने का मतलब उसमें ये चारों पार्ट्स क्या होते हैं, ये 4 पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. अब बात करते हैं इसमें. नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 59 इन योर बुक. नाउ जस्ट ओपन योर बुक एंड रीच पेज नंबर 59 एंड इन दैट पेज दिस इज़ अ फिगर ऑफ xylem elements. Now this is xylem fiber, this is xylem tracheids, this is vessel and these are xylem parenchyma. Okay student, and agar baat kare isme ki phloem ke kaun kaun se parts hote hain, phloem ke bhi kya hote hain, 4 parts hote hain. To phloem ke agar main parts ki baat karun to phloem ke jo parts hote hain wo hote hain sieve cells, number 1 part hota hai iska sieve cells, नंबर 2 होता है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 होता है इसका फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर एंड नंबर 4th होता है इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा. दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू. But in this video, we are going to discuss xylem tissue. Okay, student, let's start. Now, we are going to start from tracheids. अगर बात करें tracheids कैसे होते हैं? Tracheids की अगर मैं बात करूं कि जो tracheids होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं? Elongated होते हैं. These are elongated, non-living, non-living. It is very, very important. Non-living का मतलब these are जस्ट मेड ऑफ डेड टिश्यूज, यानी नॉन लिविंग होते हैं जिनमें ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है. एंड नेक्स्ट इज दीज टिश्यूज आर ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स. ये जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड सेल के होते हैं. यानी कहने का मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो थिक होती है. एंड दीज टिश्यूज आर हॉलो सेल्स. ये कैसे होते हैं, ये हॉलो सेल्स के बने होते हैं. दीज आर मेड फ्रॉम हॉलो सेल्स एंड have tapering ends, tapering end. यानी कहने का मतलब ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हॉलो सेल के बने होते हैं और इनके जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं. अब बात करते हैं टेपरिंग एंड्स का क्या मतलब है. जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर. नाउ दिस इज़ अ फिगर एंड दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकेट्स. इन ट्रेकेट्स में अगर हम बात करें, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट हो गया, तो यानी कहने का मतलब ये दोनों कैसे, किस तरीके से अटैच्ड हैं, ये थोड़े से तिरछे अटैच्ड है. यानी कहने का मतलब अगर ऊपर वाले पार्ट को मैं अलग कर दूं तो इस तरीके से और ये नीचे वाला अलग, यानी कि इसे हम जब इनको देखेंगे तो हमें देखने में ऐसे लगेंगे कि दोनों को क्या कर दिया, टेप लगा के क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है. इसलिए इनको क्या कहते हैं, दीज हैव टेपरिंग एंड्स. और जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो लिग्निफाइड सेल वॉल होती है. यानी इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है. लिग्निन क्या होता है, ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है और ये क्या करता है,
इस ट्रैकेट्स की सेल वॉल को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, जिससे आपकी जो सेल होती है वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है। और अब बात करें जो इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर मिल रही हैं दीज आर पिट्स, ये जो छोटी छोटी आपको स्ट्रक्चर मिल रही हैं दीज आर पिट्स, ये क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं।